मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं देने के कितने भी वादे करे, लेकिन यह वादे झूठे ही नजर आ रहे हैं। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं और इसका नजारा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मुरैना जिले के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह के क्षेत्र ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गलेथा में इन दिनों स्थिति काफी परेशानदायक बनी हुई है, क्योंकि यहां ना तो डॉक्टर आते हैं ना ही कोई स्टाफ। ऐसे में आम लोगों का यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं लेना काफी मुश्किल हो रहा है। हमारे संवाददाता ने जब यहां पर जाकर तफ्तीश की तो पता चला कि यहां पर डॉक्टर जादुन 7 से 8 दिन में सिर्फ एक दिन आते हैं और साइन कर चले जाते हैं। आपका नाम क्या है? रामनिवास बाडवा। रामनिवास बाडवा, ये बताएं जो डॉक्टर यहाँ उपस्थित है जादौन है, क्या वो समय पे आते हैं? समय पे नहीं आते। कब आते हैं ये? हफ्ते में? एक बार आते हैं। किस दिन आते हैं वो? सोमवार, मंगल। तो साइन पूरा कैसे करते हैं फिर? उपस्थिति में कोई अधिकारी ना आते तो साइन कर देते, मतलब 8 दिन में एक बार आके पूरा साइन करते। यहाँ पे मतलब जो पलंग की व्यवस्था है, अभी इस समय वर्तमान में क्या पलंग डले हुए हैं? दो पलंग डले हुए हैं। वैसे टोटल पलंग की व्यवस्था क्या है? पलंग तो उसमें रखेंगे। आज दिनांक तक आप जिससे आपकी यहाँ नियुक्ति हुई है तब से आज दिनांक तक क्या मरीज भर्ती हुए हैं? कभी भर्ती नहीं हुए, कभी बोतल लगी है। तो ग्रामीणों ने बताया कि कभी शाम को ओपीडी भी नहीं लगती है, जबकि शासकीय नियमानुसार शाम को 5 से 6 एक घंटे ओपीडी लगना जरूरी है। सुबह लगने वाली ओपीडी भी टाइम से नहीं लग रही है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने सही। क्या नाम है आपका? अहमद। कौन से गांव की रहने वाली? मायको हमारे यहाँ तो मतबा के जखोना गली। अच्छा, गली था मायका है आपका। तो यहाँ हॉस्पिटल में आप किस लिए आई थी? दवाई लेने। दवा मिल गई आपको? ना मिली। बाबा नाम का है आपको? नाम वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह जी हॉस्पिटल में दवा लेने आए, कोई डॉक्टर मिला है? कभी डॉक्टर आते हैं आपको दिखाए? कभी आते हुए डॉक्टर थे कोई ना? दवाई लेने आए थे? कैसे दिन से आ रहे हो? दो दिन से, तीन दिन से आ रही थी। पर्ची काट ही होगा, मिलो ना। शाम को 5 से 6 बजे तक खुलने का नियम है हॉस्पिटल का, गलेथा का खुलता है क्या ये? कभी आपने कभी नहीं देखा शाम को? रामेश सिंह ये बताए हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर परमानेंट स्टाफ आता है क्या? पूरा नहीं आता है डॉक्टर कोई भी? कई दिन बाद आते हैं डॉक्टर? डॉक्टर आवे दशहरा में, बाहर देना साइन इकट्ठा करते हैं, साथ साइन कट जाते हैं। अच्छा, और चले जाते। और शाम को 5 से 6 बजे का खुलने का समय है हॉस्पिटल का, ये खुलता है क्या? गले था नहीं खुलता है, कभी नहीं खुलता है? कभी नहीं। आपने ऐसा देखा है? देखा है, हम लोग यहाँ रहते ही है, पड़ोस में ही रहते हैं आप? पड़ोस। कभी नहीं खुला? कभी नहीं खुला। बहादुर सिंह यहाँ गलेथा हॉस्पिटल में किस पद पे काम कर रहे हैं? मैं नेत्र सहायक। नेत्र सहायक हैं। समय खुलने का क्या रहता है हॉस्पिटल का? सुबह 9 बजे से 1 बजे और शाम को 5 से 6 बजे तक है। आप अभी उपस्थित हो रहे हैं, वो कितने टाइम पे उपस्थित हुए? आज थोड़ा लेट हो गया था तो 10 बजे के पहले ही आ गया था। 5 मिनट 10 से पहले आ गए आप। पूरा स्टाफ कितने डॉक्टर हैं यहाँ? स्टाफ कितना है पूरा टोटल? यहाँ अभी 9 आदमी का स्टाफ। 9 आदमी का स्टाफ अभी उपस्थिति में कितने लोग हैं? अभी तो 3 दिख रहे हैं। 3 है। बताओ तो काय मरी हो? कई दिन से आ रहे हैं, ना कोई प्रेशर है ना कोई डॉक्टर है यहाँ पे इलाज करने के लिए। ये प्रतिदिन आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं बिना ड्रेसिंग के। जब हमारे संवाददाता ने मुरैना के CMHO डॉक्टर प्रीति मिश्रा से बात की। दूसरा 5 से 6 बजे तक कभी भी विद्यालय नहीं खुला है, ग्रामीणों का कहना है और ग्रामीणों ने पंचनामा भी किया है कि 5 से 6 शाम को कभी नहीं खुलता। निरीक्षण करेंगे और जो लोग उपस्थित नहीं होंगे उनकी तनख्वाह काटेंगे और शाम के 5 से 6 बजे भी अस्पताल खुले सुनिश्चित। तो उनका कहना था कि हम इस बार कार्रवाई करेंगे और जाँच करने के बाद बताएंगे कि किस तरह से कार्रवाई की गई। लेकिन आज तक तो बस कोई बेड जो नहीं डाले गए हैं उसमें और डिलीवरी रूम जो है बंद ही है, लॉक पड़ा हुआ है, कभी खुलता ही नहीं है। ऐसा क्या है?
हम लोगों में दिक्कत।